नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिसेंट नॉलेज में। क्या आप सोचते हैं अंतरिक्ष में आवाज़ नहीं होता है? तो आप गलत सोचते हैं, अंतरिक्ष में भी आवाज़ होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि हमारे पास बहुत से उपकरण है जिसे आवाज़ को आसानी से सुना जा सकता है। ये आवाज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म से मैकेनिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सुन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आवाज़ विभिन्न प्लेनेट के चुंबकीय क्षेत्र से लिया जाता है जिसे वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर हम लोग सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं सभी ग्रह का आवाज़। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास हेडफोन है तो उसे जरूर लगा ले, क्योंकि उससे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम सुनेंगे ब्रह्मांड के बाद, उसके बाद सन मून एंड ऑल प्लेनेट। तो चलिए सुनते हैं। अलवर के लवर वहुन के लखड़वा, अर पानी अड़वा अर पानी जीरुआ। अरे यार, ये क्या लगा दिया, ये तो दूसरे ब्रह्मांड का है यार। सॉरी गाइस, सॉरी। चलिए सुनते हैं असली ब्रह्मांड की आवाज। अब हम सुनेंगे आग का गोला यानी सूर्य की आवाज। अब सुनेंगे हमारे आपके बचपन की मामा यानी चंदा मामा की आवाज। ब्रह्मांड के सबसे बड़ी ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति की आवाज सुनेंगे। ब्रह्मांड के सबसे दूसरी बड़ी ग्रह सैटर्न यानी शनि ग्रह, इसका आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी है। ब्रह्मांड के सबसे तीसरी बड़ी ग्रह यूरेनस यानी अरुण ग्रह की आवाज सुनेंगे हम लोग अभी। अब सुनने जा रहे चौथी नंबर ग्रह यानी नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की आवाज। अब आप लोग सुनने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर हम सब रहते हैं, हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, सबकी प्यारी धरती यानी अर्थ की आवाज। चांद के बाद दूसरा सबसे ज्यादा चमकने वाली ग्रह वेनस यानी शुक्र ग्रह की आवाज सुनेंगे हम लोग। अब हम लोग सुनने जा रहे हैं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी यानी बुध ग्रह का। अब जिसका आवाज सुनने जा रहे हैं वह ग्रह होकर भी ग्रह नहीं है और वो है प्लूटो यानी यम ग्रह, जिसे हम ड्वार्फ प्लेनेट भी कहते हैं यानी बौना ग्रह। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।